जय हिंद। बेसिक्स ऑफ ग्रामर के इस कड़ी में आज हम कॉजेटिव वर्ब का अध्ययन करेंगे। कॉजेटिव वर्ब का शाब्दिक अर्थ प्रेरणार्थक क्रिया होता है। यहां प्रेरणार्थक क्रिया का मतलब किसी की प्रेरणा से किया गया कार्य। जब किसी के प्रेरणा से कार्य किया जाता है तो वह कार्य प्रेरणार्थक कहलाता है। कॉजेटिव वर्ब के तहत हम दो शब्दों का अध्ययन करते हैं, गेट तथा मेक। यहां गेट तथा मेक में कॉमन यह है कि इन दोनों के ठीक बाद नाउन प्रोनाउन का प्रयोग होता है। गेट का प्रयोग पैसिव वॉइस में जबकि मेक का प्रयोग एक्टिव वॉइस में होता है। जब कोई व्यक्ति किसी से कहकर कोई काम करवाता है तब वहां हम गेट का प्रयोग करते हैं और जब कोई व्यक्ति खुद काम करता है तब वहां हम मेक का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं इस कमरे की सफाई करवाता हूं, मैं इस कमरे की सफाई करता हूं। यहां मैं इस कमरे की सफाई करवाता हूं मैं मेरे प्रेरणा से इस कमरे की सफाई हो रही है। हम इस वाक्य में गेट का प्रयोग करेंगे। मैं इस कमरे की सफाई करता हूं इसमें मेरी प्रेरणा से कोई काम संपन्न नहीं हो रहा है बल्कि मैं इस काम को खुद कर रहा हूं, इसमें हम मेक का प्रयोग करेंगे। गेट तथा मेक इन दोनों का प्रयोग किसी भी टेंस में किसी भी तरह के वाक्य में ये अपने भिन्न भिन्न रूपों के साथ प्रयुक्त हो सकते हैं। कंटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इन दोनों का प्रयोग करते समय बस इतना ख्याल रखें इन दोनों के ठीक बाद निश्चित रूप से नाउन प्रोनाउन का प्रयोग करें। गेट के साथ नाउन प्रोनाउन के ठीक बाद भी थ्री को रखें जबकि मेक के साथ भी वन को। गेट अथवा मेक अपने भिन्न भिन्न रूपों के साथ वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, इसका भी ध्यान रखें। कॉमन एरर्स इंप्रूवमेंट तथा फिलर्स करते समय गेट के साथ हमेशा भीतरी का प्रयोग करें जबकि मेक के साथ भी वन का। कॉम्पिटेटिव इंग्लिश में कॉजेटिव वर्ब का अहम रोल है। उम्मीद है यदि गेट तथा मेक वाक्य में दिखे तब आप आसानी से गेट तथा मेक का इंप्रूवमेंट कॉमन एरर्स तथा फिलर्स अब आप कर लेंगे। एक बार फिर बस इतना ख्याल रखें वाक्य में यदि गेट दिखे गेट के बाद नाउन प्रोनाउन आए तो आप भीतरी का प्रयोग कर दें और यदि मेक दिखे तो मेक के ठीक बाद नाउन प्रोनाउन प्लस भी वन का प्रयोग करें। इस कॉजेटिव वर्ब की अगली कड़ी में हम इन दोनों का प्रयोग ट्रांसलेशन में करना सीखेंगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगली कड़ी में इन दोनों का प्रयोग ट्रांसलेशन में कैसे होगा इन्हीं शब्दों के साथ अब इजाजत दें। जय हिंद।